नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRV स्टडी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इस पार्ट में कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, या इसी को बोला जाता है मल्टी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हमें ने ये सोचा कि अभी हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक पढ़ा VCRS साइकिल में, हमको कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम की या मल्टी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई। और दोस्तों, ये टॉपिक आपका LPCVT 2 में मेंशन है, आप देख सकते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारा स्पेस अधिक गर्म होता है और हमको इसको ज़्यादा इसमें से हीट रिजेक्ट करनी होती है, तो हम करते क्या है दोस्तों, इसमें हम दो कंडेंसर अटैच कर देते हैं। आइए पूरी प्रोसेस को शुरुआत से समझते हैं। हमने देखा था कि वेपरेटर हमारा स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब करता है, ये हीट हमारी यहाँ से इनलेट, हमारा इनलेट होता है यहाँ वेपरेटर का, यहाँ से वेपर और वाटर का मिक्सचर इन होता है। तो होता क्या है, जब वेपरेटर हमारा हीट को एब्जॉर्ब करता है तो जो वाटर होता है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये कंप्रेसर के पास जाती है हीट वेपर हमारी, कंप्रेसर क्या करता है इसको कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करके क्या करता है इसके प्रेशर को और टेम्परेचर क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। जैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये हमारी वेपर जो होती है सुपर हीटेड हो जाती है। फिर ये हमारी वेपर यहाँ से कहाँ जाती है दोस्तों, कंडेंसर में। कंडेंसर में हम सुपर हीटेड वेपर ही क्यों भेजते हैं, क्योंकि अगर कंडेंसर में वन लिक्विड ड्रॉप ऑफ वाटर भी चला जाएगा तो कंडेंसर हमारा चोक हो जाएगा, क्योंकि कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करता है। अगर वाटर जाएगा तो वाटर से और हीट रिजेक्ट होगी, और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा कंडेंसर क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा। इसलिए हम कंप्रेसर का यूज करते हैं कंडेंसर से पहले, ताकि हम इसमें सुपर हीटेड वेपर भेज सकें। फिर सुपर हीटेड वेपर जब यहाँ कंडेंसर पहुँचती है दोस्तों, तो यहीं से हम एक दूसरा अटैचमेंट लगा देते हैं सेम एज, बस इसमें इवेपरेटर नहीं होता है। इसमें जो ये कंडेंसर वन की जो ट्यूब ये लगी हुई है हमारी ट्यूब्स, ये क्या करती हैं, इसमें से हीट को रिजेक्ट करती हैं, और जैसे यहाँ इवेपरेटर फंक्शन कर रहा है वैसे ही यहाँ पर ये क्या करती हैं, क्वाइल्स इसकी हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, और ज़्यादा हीट यहाँ से एब्जॉर्ब करके पुनः ये कंप्रेसर के पास जाती हैं और सुपर हीट होती हैं, और कंडेंसर टू के पास जा करके जो हीट होती है उसको क्या कर देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं, और पुनः यहाँ से वापस आता है, फिर वही प्रोसेस चालू जाती है। यहाँ से भी वेपर और वाटर का मिक्सचर इन होता है। तो होता क्या है कि मल्टी कंप्रेशन और रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी हमें, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिजेक्ट कर सकें ताकि स्पेस को हम ज़्यादा कूल कर सकें। तो दोस्तों, हम आइए सीधे बात करते हैं इसकी COP क्या होती है, मल्टी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP क्या होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में मल्टी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की आपसे डायरेक्ट COP पूछी जाएगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और आप ध्यान रखिएगा ALP वाले और SSC JEE वाले, इसकी डायरेक्ट आपकी पूछी जाती है डायरेक्ट इसकी COP क्या होती है। और जब हम 23 तारीख के बाद लाइव आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसकी COP कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों, अभी आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको ये नहीं दिखाना है अपने आप को कि हम कितने बड़े तीरंदाज हैं या हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको डायरेक्ट वहाँ MCQ मिलेगा और आपको क्वेश्चन को टिक करके आना है। तो आइए देखते हैं इसकी COP क्या होती है मल्टी कंप्रेशर की। तो दोस्तों, जो इसकी COP होती है मल्टी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, ये हमारी होती है COP of 1। जैसे हमने अगर एक ही लिया होता तो हम COP इसकी केवल निकालते, जैसे हमने पिछले चैप्टर में कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पर दो हैं तो दो COP निकलेगी। तो COP of 1 इंटू COP of 2 डिवाइडेड बाई COP of 1 प्लस COP of 2 प्लस 1, ये हमारी होती है मल्टी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस पर किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। अगर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहेगा कि एक मल्टी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसमें एक की COP एक साइड, एक इंजन की COP हमारी दी हुई है ये, दूसरे की COP हमारी दी हुई है ये, तो आप बताइए मल्टी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP क्या होगी। तो आप आसानी से मल्टी कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, VCRS साइकिल में कुछ एक दो टर्म छूट गए थे जो कि पेपर में आ सकते हैं, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो क्या थे उनकी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या था, VCRS ऑयल सेपरेटर इंस्टॉल किया जाता है एक VCRS में, साइकिल में ऑयल सेपरेटर इंस्टॉल किया जाता है, ऑयल सेपरेटर इंस्टॉल किया जाता है,
ये कहाँ इंस्टॉल किया जाता है दोस्तों, ये इंस्टॉल किया जाता है कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में, बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर। कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में ही ऑयल सेपरेटर क्यों इंस्टॉल किया जाता है दोस्तों, आप बता सकते हैं? आइए देखते हैं, हम जानते हैं कि आप बता सकते हैं इस चीज़ को, आइए हम आपको थोड़ी इस चीज़ बताते हैं। कंप्रेसर में जब दोस्तों हमारा वेपर जाता है तो उसमें से थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ ऑयल लीक करता है, और जब ऑयल लीक करता है तो हमारा कंडेंसर में जाने से पहले ही वहाँ पर एक बीच में इंस्टॉल कर दिया जाता है ऑयल सेपरेटर। वो करता क्या है, जो भी हमारा कंप्रेसर से ऑयल आती है उसको वहाँ से निकालता है और पुनः रिटर्न करके कंप्रेसर में ही भेज देता है। ये इक्विपमेंट हमने लगाए नहीं, आप सोच रहे होंगे कि VCRS साइकिल में आपने सर बताया नहीं कि ये इक्विपमेंट कहाँ लगते हैं। दोस्तों इतना टिपिकल फिगर बन जाएगा फिर आपको समझने में बहुत सी परेशानी होगी, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको रट लीजिए, क्योंकि रट्टाफिकेशन जो करता है वही लड़का आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक चीज़ और क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ऑन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एक हमारा होता है दोस्तों ऑन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ऑन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब आप समझे, आपके घर में जो फ्रिज होती है वही होती है ऑन ऑफ कंट्रोल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये जो ऑन ऑफ कंट्रोल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है आपके घर की जो फ्रिज होती है वही होती है। इसमें आपसे पूछेगा कि ऑन ऑफ कंट्रोल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो आपकी एक्सपेंशन डिवाइस यूज की जाती है, एक्सपेंशन डिवाइस यूज की जाती है वो कौन सी होती है, तो आपको बताना है वो हमारी होती है थर्मोस्टेट। कौन सी होती है दोस्तों, थर्मोस्टेट। इसके बाद दोस्तों हम कुछ और बात कर लेते हैं, एक हमारा होता है बूट स्ट्रैप सिस्टम, एक हमारा दोस्तों क्या होता है, बूट स्ट्रैप सिस्टम। बूट स्ट्रैप सिस्टम का प्राइमरी यूज क्या है, बूट स्ट्रैप सिस्टम हम क्यों लगाते हैं किसी भी साइकिल में, तो इसका प्राइमरी यूज क्या होता है, इसका प्राइमरी पर्पज होता है जो हमारा दोस्तों, इसका जो प्राइमरी पर्पज होता है वो होता है कि आप एडिशनल कूलिंग प्रोवाइड कीजिए। बूट मतलब आप समझते हैं, बूट को जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपका निकल करके आएगा जूता टाइप से, लेकिन ये वो वाला बूट नहीं है। बूट मतलब बढ़ा दो, बूस्ट कर दो किसी चीज़ को, आप लोग बूस्ट पीते होंगे ना, तो ये बूस्ट वो वाला बूस्ट बूट है। तो प्राइमरी पर्पज इसका क्या होता है कि ये एडिशनल कूलिंग प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों, प्राइमरी पर्पज होता है एडिशनल कूलिंग प्रोवाइड कराना। तो बूट स्ट्रैप सिस्टम का क्या यूज होता है दोस्तों, प्राइमरी पर्पज टू प्रोवाइड एडिशनल कूलिंग, प्रोवाइड कराता है एडिशनल कूलिंग। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेफ्रिजरेटर में हमारा इलेक्ट्रोफ्लक्स यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में हमारा क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोफ्लक्स, एंड इलेक्ट्रोफ्लक्स जो रेफ्रिजरेटर होते हैं हमारे, इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर, ये इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर को हमारे जो और नाम से जाना जाता है वो होता है आल्सो नोन एज थ्री फ्लूड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर का एक और नाम होता है थ्री फ्लूड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इसमें एक इलेक्ट्रोफ्लक्स हो जाता है, एक वाटर, एक वेपर, थ्री फ्लूड हो गए हमारे दोस्तों। तो थ्री फ्लूड एब्जॉर्प्शन सिस्टम कौन सा होता है हमारा दोस्तों, इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। कौन सा होता है दोस्तों हमारा, इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आपसे पूछे कि थ्री फ्लूड रेफ्रिजरेशन सिस्टम एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर। और इसकी जो मेन बात है वो क्या है, इस पर हम क्यों आए, क्योंकि इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर ही ऐसा होता है जिसमें हमारा पंप यूज नहीं किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर में नो पंप इज यूज्ड, इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर में हमारा पंप यूज नहीं किया जाता है। अब दोस्तों कल हम लोग बात करेंगे VRS साइकिल क्या होती है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, VRS साइकिल कैसे कैसे काम करती है, VRS साइकिल में अमोनिया रेफ्रिजरेंट के तौर पे क्यों यूज किया जाता है, अमोनिया के साथ कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, और अमोनिया क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो आप आज ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने जो जो चर्चा की है आप याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे। VCRS साइकिल में ऑयल सेपरेटर कहाँ इंस्टॉल किया जाता है,
ऑन ऑफ कंट्रोल रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो कि आपका घर का फ्रिज होता है, इसमें एक्सपेंशन डिवाइस के रूप में क्या यूज़ होता है, बूट स्ट्रैप सिस्टम क्यों लगाया जाता है, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ दोस्तों ये भी देखिए, ये SSC JEE में ये क्वेश्चन भी आया है और आपके RRB JEE में भी ये क्वेश्चन आएगा और UP SSS JEE में भी ये क्वेश्चन आएगा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, 23 तारीख के बाद जब हम लोग दोस्तों लाइव आएंगे ना तो ऐसा धमाल मचाएंगे कि आप याद रखेंगे कि हाँ टेक्निकल हमने कहीं से पढ़ा। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर क्यों यूज़ किया, सॉरी इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर का और क्या नाम है, इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर हमारा यूज क्यों होता है, इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने आज दोस्तों की। 23 तारीख के बाद दोस्तों आपको रीजनिंग की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। 23 तारीख के बाद जब हम लाइव आएंगे तो करंट अफेयर सेशन के साथ, लाइव सेशन के साथ आएंगे, टेक्निकल के सभी लाइव सेशंस के साथ आएंगे, रीजनिंग के सारे सेशन आपके साथ कंप्लीट कराए जाएंगे। अब दोस्तों यहीं पर हम अपनी बात को रोकते हैं और आपको अलविदा कहते हैं। नमस्कार दोस्तों।